नमस्ते दोस्तों, हम आज आए हैं यहाँ पर ओंकारेश्वर संस्थान लवाला, मारुति संस्थान लवाला। ये लवाला गांव है, बाजू में पेंटाक्री प्रकल्प है जो बहुत ही बड़ा डैम है मेकर एवं चिखली तहसील का, और इस गांव में अक्सर ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। चल पुढे जा, चल आला मी अजून डोक लगा बाहेर चला ना यार, खूप कॉम्पॅक्ट जागा सर। सर बाहेर घ्या, या बाहेर हा सर, हळू माझी युट्यूबची सगळी हे घालवली, त्याच म्हटल्यावर मला टाकावंच नाही वाटत बोलतो। इनका यहाँ पर घर और जनरल स्टोर का दुकान है, और घर के अंदर बिल्कुल फ्रिज के नीचे पूरा सामान पड़ा हुआ है, और सांप की तलाश हो रही है दोस्तों। दो दो सर्प मित्र यहाँ पर है, आदरणीय विनय जी कुलकर्णी सर है, वनिताजी बोराडे, कैंडू गो।
डोळे भरून पाला का में यहाँ पर हमारे भारत असभ्य है जिनके घर में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सांप है जो मानवता का मित्र है, बिन जहरीला है लेकिन है तो आखिर सांप ही। बहुत ही सुंदरता से कितना अच्छा बैठा है हम लोग देख सकते हैं। कुंडली मार के बिल्कुल तीन पत्रे और एक जो इसके नीचे जो लकड़ियां है घर में छत की छत के ऊपर बैठा है। सभी को देख रहा है नीचे कि मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और पूरा घर परेशान। देखिए सब सामान इधर उधर पड़ चुका है। हमारे सर्प मित्र और उनकी पूरी टीम, आदरणीय विनय जी कुलकर्णी, आदरणीय सर्प मित्र वनिता जी और पूरे घर के परिवार के सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल हाथ से पकड़ा है। बहुत ही सुंदर रेस्क्यू, जबरदस्त सांप, वाह। हम लोग देख रहे हैं सर मित्र विनय जी कुलकर्णी सर को। मैडम पकड़िए ना, बाहर निकाला जा रहा है दोस्तों। यशस्वी रूप से पकड़ा है विनय जी कुलकर्णी ने, साथ में सर्प मित्र वनिता जी हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों आज लवाला गांव में दूसरा सांप है और दोनों भी रेड स्नेक है। अभी अभी 10 मिनट पहले हमने इस गांव से एक बहुत ही सुंदर सांप को पकड़ा था और बड़ा रट्टा और बढ़िया सा सांप है जो कि 7-8 फुट लंबाई का है और वो भी धामन है और ये भी धामन है। धामिन प्रजाति के सांप बिन जहरीले होते हैं, ये अक्सर हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बताते रहते हैं। दोस्तों आज एक ही जगह एक ही गाँव में बहुत ही सुंदर सांप मिले है और ये सभी सांपों को हम वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे। वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग वंडरफुल एंड नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव चैनल स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे, विच इज अ वर्ल्ड वाइड चैनल हु गिव्स इट्स गिव्स द प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द स्नेक्स एंड वाइल्ड लाइफ टू द पीपल्स। स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे एंड विनय जी कुलकर्णी इन कोलुब्रेशन दे हैव जॉइंटली रेस्क्यू टू बिग स्नेक्स विच इज फ्रॉम द सेम फैमिली सेम क्वालिटी एंड नॉन पॉइजनियस वेरी ब्यूटिफुल। हम लोग है लवारा गांव में, यहाँ पर अभी 10 मिनट पहले दीपक जी पवार इनके घर में एक बहुत ही सुंदर बढ़िया सांप जो विनय जी कुलकर्णी सर के हाथ में हम लोग देख रहे हैं, ये है धामन प्रजाति का बिन जहरीला सांप है जो किसानों का मित्र है, चूहों को खाकर पर्यावरण की शुद्धता करता है। दोस्तों हमारे हरेक यूट्यूब चैनल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में हम लोग ये जानकारी देते रहते हैं। ये जो सांप है किसानों का दोस्त है, मित्र है, इसको मारना नहीं चाहिए और इसके बारे में हमने हमारे जिले में पूरा जन प्रबोधन किया है, जन जागरण किया है। अभी लोग धामिन सांप निकलने पर ज्यादातर संरक्षण का हेतु रखते हैं, मारते नहीं है। इसी गांव में पहला सांप पकड़कर हम बस निकलने वाले थे कि हमारे आदरणीय भारत जी असभ्य ने फिर से हमें कॉल करके यहाँ रुका लिया और उनके घर में बिल्कुल छत के ऊपर बैठा था सांप। और दोस्तों ये दोनों के दोनों सांप जो है बिन जहरीले है, नितान्त सुंदर है। अंधश्रद्धा अज्ञान एवं डर की मारे लोग इनसे कांप उठते हैं और इनको मार डालते हैं। प्रकृति का अप्रतिम सुंदर जीव और उपयुक्त जीव होने के नाते
इनका भी सृष्टि में जीवित रहने का अधिकार है, हमने इनको छीन नहीं लेना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है सांपों को बचाना और लोगों का प्रबोधन करना, इतना ही नहीं दोस्तों, ये पकड़े गए सभी सांपों को वन विभाग के दफ्तर में हम लोग दर्ज कराकर जंगल में छोड़ देते हैं। और ऐसे ही हर रोज कभी एक, कभी दो, कभी चार, कभी पांच, ऐसे लगातार एक ही दिन में 18 या 20 सांप पकड़ने का रिकॉर्ड हो चुका है। अभी हमारे साथ है पुणे से आदरणीय विनय जी कुलकर्णी, जो यहाँ पर रुके हैं मैकर में और ग्रामीण एरिया में सर्प मित्र वनिता बोराड़ी जी के साथ अपना पूरा समय और पूरी शक्ति के साथ, पूरे सोच विचार के साथ दोस्तों जानलेवा खतरा उठाकर दिन रात हमारे साथ सर जी मेहनत कर रहे हैं कि ग्रामीण भागों में काम करना कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, सांप कैसे होते हैं, और जब हम यहाँ की जीव जमीन और जंगल से जुड़ जाते हैं तो कितना काम करने में आनंद मिलता है। और शहरी एवं जो हमारा एक सिविल लाइफ है उससे ग्रामीण जीवन और यहाँ का घर बस्ती का परिवार कितना अलग होता है, ये महसूस करते हुए अभी भी सांपों के बारे में लोगों में कितना वहम है, डर है और जन प्रबोधन की कितनी आवश्यकता है, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय विनय जी कुलकर्णी और सर्प मित्र वनिता बोराड़े दोनों मिलकर लोगों का प्रबोधन कर रहे हैं। दोस्तों पकड़े गए सभी सांपों को वन विभाग की सहायता से, MNF फाउंडेशन की तरफ से एवं पीपल फॉर एनिमल संस्था की तरफ से हम सोयरे वनचरे फाउंडेशन की तरफ से जंगल में छोड़ देंगे। पकड़े गए सभी सांप नितांत सुंदर एवं उपयुक्त एवं भारतीय संविधान के तहत संरक्षित है। 1975 का वन्यजीव संरक्षण कानून जो है और 2002 का अगेंस्ट ऑफ द एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो है, इनके तहत सभी भारतीय सांपों को संरक्षण दिया गया है। तो कृपा करके किसी भी सांप को मारिए मत, ये सांप जो है सृष्टि के अमूल्य जीव है, इनको बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों सांप बचाइए, पर्यावरण बचाइए। सांप जो है ये पर्यावरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राणी है जो चूहों को खाता है और हमारे जैव विविधता की जो एक कड़ी है उसका एक महत्वपूर्ण जीव है। इतना ही नहीं दोस्तों, चूहों पर नियंत्रण लाकर मानवता की बड़ी सहायता करता है, इसलिए ऐसे सांपों को हमें बचाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इन दोनों सांपों को यशस्वी रूप से इस प्लास्टिक जार में बंद किया गया है। घर पर अगर सांप दिखाई दे तो उसके ऊपर चादर या कोई भी घर का कपड़ा या बोरिया बिस्तर कुछ भी डाल देना चाहिए। सांप को छिपने के लिए जगह मिल गई, अंधेरा मिल गया एवं ठंडक मिल गई तो सांप कहीं पर जाते नहीं, आक्रामक होते नहीं दोस्तों, और नजदीकी सर्प मित्र को हम फोन करके बुला सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी सांप को मारिए मत, सांप खुद होके काटते नहीं, डरपोक प्राणी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।